गरुड़ पुराण पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, दश गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, शिव धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, से भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है, कल्पवृक्ष। शकी जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रात काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा, ऋषय ऊचु। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यममार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन कर में समर्थ है, अत उसका वर्णन कीजिए। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जिहवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं, से अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, से व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो।
यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अत चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदामार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौए के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक कर के गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यममार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुन पुन वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है, रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है।
भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगहज गह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापीजनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। दो अथवा तीन मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अबादी वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्ष, वह पाद की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। अत पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, 3रा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और 4थे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, 2रे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंध, कंधे तथा 3रे पिंड से हृदय बनता है, 4थे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमश कटी, कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से उरु, जांघें और 9वें पिंड से जानु, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगर को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। 1. सौम्यपुर
दो सौर्यपुर, तीन नगेंद्र भवन, चार गंधर्वपुर, पांच शैलागम, छह क्रौंचपुर, सात क्रूरपुर, आठ विचित्र भवन, नौ बहवापदपुर, दस दुखदपुर, ग्यारह नानाक्रंदपुर, बारह सुतप्त भवन, तेरह रौद्रपुर, चौदह पयोवर्षणपुर, पंद्रह शीताढ्यपुर तथा सोलह बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यममार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यममार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत त्रिशातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलयकाल की भांति बारहों सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गीधों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है।
वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पुय, पीबमवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दो खसे पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केशरूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार मगर जोंक मछली कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त ममहाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्र भाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्र भाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अत हे जी, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही,
तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं, इसलिए हे जी, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गांव और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं, इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गांव के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं, इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वह ने प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चांद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुख खोन को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था, इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहां पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौर्यपुर को प्रस्थान करता है। उस सौर्यपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है।
उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दयार्हित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यमकिंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुन आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्वनगर को प्राप्त होता है और वहां 3रे मासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 59वां मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कापता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके से वचन सुनकर प्रेत हादे सा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, सा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां 6.5 मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहवापतपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदग्नों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11वें मासिक पिंड को वहां खाता है।
11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षन नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा सब पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायुस्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने औध्वदैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यममार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण 3रा अध्याय। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वत जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है,
वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं। उनके पास सी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के से भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान, आवाज वाले काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभाव वाले आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गर्जते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा का पता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्ष पूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पराडमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं।
वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, सा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टारहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चिष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौए के लिए बलि ही दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। सा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुगंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौहपिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाही में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को समय प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं।
उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुख खोन से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुख खोन का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है, उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। / अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरकयातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संघ से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है से व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्यलोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमश उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यमयातना निरूपण नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण 4था अध्याय। नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुख खदाई दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं।
जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। से उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है सा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृश्ली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्मकर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी औरध्वदैहिक क्रिया नहीं कर लिया जिसके उद्देश्य से औरध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटस्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं।
जो कुना, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख से ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत सा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, सी पतिप्रायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, सा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है।
उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुन उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्षर, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता? इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नरनारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भिल्ल होकर रोगी होता है, परस्त्रीगमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है, मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं, लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है, जो दूसरे को दिए बिना मिष्टान्न खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है, श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है, गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडुरोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है, विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है, पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला नखरोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी होता है, जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है,
शाकपात चुराने वाला मयूर होता है, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखने वाला, वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्व देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है, क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्मा राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेष वश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका अर्थात जल जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी, चमगादड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष, लकड़बग्घा और शल्लक साही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कृतलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है, वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। ददेव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है, वह देवलक कहलाता है।
वह देव कार्य तथा पितृकार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः किस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म है त्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमश तृण, गुल्म तथा लता होता है। परस्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्मरास होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थरों के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में सा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देवद्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्वरूप का हरण करने से ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्ष्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमश जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनिया तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद 1,000 जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमश गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपाश बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं।
दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुन दरिद्र और पुन पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापचिह निरूपण नामक पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ।